आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से पेटीएम ऐप की मदद से हम अपने एक बैंक के क्रेडिट कार्ड से दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड का हम बिल पे कैसे कर सकते हैं, वो भी गाइस बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, और साथ ही साथ हम कैशबैक कैसे पा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड को किसी भी ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं या फिर उसके पैसे को अगर हम यूज करते हैं तो उसका जो ड्यू बैलेंस होता है वो हमें ड्यू डेट पर पे करना होता है। और गाइस देखिए, क्रेडिट कार्ड का ड्यू बैलेंस पे करने के लिए अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और अगर हमारे पास किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो हम एक बैंक के क्रेडिट कार्ड से दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ही आसानी के साथ हम पे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कई सारे क्रेडिट कार्ड है तो आप एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ही आसानी के साथ आप पे कर सकते हैं। और गाइस देखिए, बैंक की तरफ से लगने वाली पेनल्टी, इंटरेस्ट और लेट फीस से आप बच सकते हैं और साथ ही साथ अपने क्रेडिट स्कोर को भी आप डाउन होने से बचा सकते हैं। तो गाइस देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। इसके अलावा हमारे कई सारे अदर यूट्यूब चैनल्स भी हैं, उनको भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, उन चैनल पर भी आप सपोर्ट कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो गाइस देखिए, पेटीएम ऐप से क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पेटीएम ऐप को इस तरीके से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। तो गाइस यहाँ पर हमें सिंपल से ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल लास्ट में हमें यहाँ पर डील्स एंड कैशबैक की कैटेगरी में कैशबैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें सिंपल से क्लिक कर लेना है इस ऑप्शन पर। और गाइस देखिए, यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑफर में काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यूपीआई ऑफर, वॉलेट ऑफर, पेटीएम पोस्टपेड ऑफर, बिल पेमेंट ऑफर। तो हमें यहाँ पर वॉलेट से रिलेटेड ऑफर्स को देखना है तो हमें यहाँ पर वॉलेट ऑफर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और गाइस देखिए, यहाँ पर पेटीएम के वॉलेट में एड मनी करने पर कैशबैक से रिलेटेड जितने भी ऑफर्स होंगे वो यहाँ पर इस पेज में हमें देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक ऑफर देखने को मिलेगा, एड मनी टू पेटीएम वॉलेट। यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे और इस तरीके का ये ऑफर है। इस ऑफर की टर्म एंड कंडीशन के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पर अगर हम मिनिमम 5,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा अपने पेटीएम के वॉलेट में अगर हम ऐड करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से तो हमें यहाँ पर 2.35% का कैशबैक मिल जाएगा और मैक्सिमम हमें ये कैशबैक 300 रुपए तक का मिलेगा। और गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पेटीएम के वॉलेट में अगर हम किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से एड मनी करते हैं तो एड मनी करने पर 2.35% का ही एक्स्ट्रा चार्ज लगता है और 2.35% का इसमें हमें कैशबैक मिल रहा है। इसका मतलब जो चार्ज पड़ेगा वो हमें 0% का चार्ज पड़ेगा। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो 0% का ही हम पर पड़ेगा। और गाइस देखिए, पेटीएम के वॉलेट में जो हम क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ऐड करेंगे उस पेटीएम के वॉलेट बैलेंस से हम अपने दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर देंगे। इसका मतलब गाइस, क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट हम बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, मैक्सिमम जो कैशबैक है वो हमें 300 रुपए तक का मिलेगा। इसका मतलब 12,800 रुपए की अगर हम एड मनी करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से पेटीएम के वॉलेट में तो 2.35% के हिसाब से 300 रुपए का हमें तुरंत कैशबैक मिल जाएगा। 12,800 रुपए से ज्यादा भी अगर हम ऐड करेंगे तब भी हमें 300 रुपए ही मिलेंगे, ये मैक्सिमम इतना कैशबैक है। तो गाइस देखिए, हम अपने एक क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपए का बैलेंस हम ऐड करने वाले हैं पेटीएम के वॉलेट में तो हमें यहाँ पर 2.35% के हिसाब से 170 रुपए और 50 पैसे का हमें कैशबैक मिलने वाला है और हम अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस से दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हम कर देंगे। अगर गाइस देखिए, ये ऑफर आपके पेटीएम के अकाउंट पे एप्लीकेबल ना हो तो आप अपने फ्रेंड या फिर फैमिली के पेटीएम अकाउंट में चेक कीजिए, इस तरीके का ऑफर आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो गाइस देखिए, आप जिस भी ऑफर का बेनिफिट ले रहे हैं उस ऑफर की टर्म एंड कंडीशन आप जरूर पढ़ लीजिए। और गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो ऑफर है इस ऑफर का बेनिफिट हम महीने में 3 बार तक ले सकते हैं और जब तक ये ऑफर वैलिड है तब तक हम 9 बार तक इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं एक पेटीएम अकाउंट में। तो चलिए, इस ऑफर को हम एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट ऑफर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। तो गाइस देखिए, अब ये जो ऑफर है ये एक्टिवेट हो चुका है। इस ऑफर का हम बेनिफिट ले सकते हैं, 300 रुपए तक का हम कैशबैक पा सकते हैं। और गाइस देखिए, पेटीएम के इस तरीके के ऑफर को जब हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो बिना किसी प्रोमो कोड एंटर किए हमें ये कैशबैक मिल जाता है। तो नीचे की साइड लिखा हुआ है एड मनी, यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। और गाइस देखिए, हमारा जो पेटीएम का वॉलेट बैलेंस है वो इस टाइम 0 रुपीज है, कोई भी किस तरह का बैलेंस हमारे पेटीएम के वॉलेट में नहीं पड़ा हुआ है। तो गाइस चलिए, 5,000 रुपए का हम यहाँ पर अमाउंट एंटर कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 5,000 रुपए का मैंने अमाउंट एंटर कर दिया है। एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल मैं पे करने वाला हूँ 5,000 रुपए का। मिनिमम ऑफर की रिक्वायरमेंट भी 5,000 रुपए की है। तो चलिए, अप्लाई प्रोमो कोड ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और बहुत सारे प्रोमो कोड हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस देखिए, जिस भी प्रोमो कोड में हमें डायरेक्टली कैशबैक मिल रहा हो उस प्रोमो कोड को भी आप अप्लाई कर सकते हैं और कैशबैक पा सकते हैं। और गाइस देखिए, मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, हमें एक ही ऑफर का बेनिफिट मिलेगा, या तो हमने जो एक्टिवेट किया उसका ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं या फिर प्रोमो कोड एंटर करके भी हम कैशबैक पा सकते हैं। और गाइस देखिए, वॉलेट में एड मनी करने पर जो हमें प्रोमो कोड देखने को मिल रहा है ये लक्की यूजर से रिलेटेड हमें प्रोमो कोड देखने को मिल रहा है। इसमें जरूरी नहीं हमें कैशबैक मिले या फिर नहीं मिले, लेकिन जो हमने ऑफर एक्टिवेट किया उसमें हमें पक्का कैशबैक मिलेगा।
2.35% का। तो चलिए यहाँ पर 5,000 रुपए का मैंने अमाउंट एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड टू एड, यहाँ पर हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। एड वंस ऑप्शन पर क्लिक करके एड ऑप्शन पर हमने क्लिक कर लेना है। बहुत सारे पेमेंट मेथड देखने को मिलेंगे जैसे कि यूपीआई, क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो कैशबैक हमें लेना है, तो कैशबैक लेने के लिए क्रेडिट कार्ड से हमें ऐड मनी करनी पड़ेगी, और वैसे भी हम क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रीपेड क्रेडिट डेबिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। और गाइस देखिए, इस अमेज़न पे आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से मैं अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने वाला हूँ, और इसी क्रेडिट कार्ड से मैं ऐड मनी करूंगा 5,000 रुपए की। और गाइस देखिए, मैं आपको बता दूं, अमेज़न पे के क्रेडिट कार्ड में 1% का हमें अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इसका मतलब 5,000 रुपए पर हमें 50 रुपए का कैशबैक हमें हमारे अमेज़न के ऐप में भी मिल जाएगा। इसका मतलब उल्टा हमें बेनिफिट भी हो रहा है, और क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड हमारा बिल पे भी हो जाएगा। तो चलिए इसकी कार्ड डिटेल को हम फिल कर देते हैं। तो गाइस देखिए, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को हमने यहाँ पर फिल कर दिया, और कन्वीनियंस फीस में लिखा हुआ है 170 रुपए और 50 पैसे। लेकिन यही 170 रुपए और 50 पैसे का हमें कैशबैक मिल जाएगा। इस तरीके से कन्वीनियंस फीस बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड को सेव करना चाहें तो सेव कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो अनटिक कर सकते हैं। तो अपने कार्ड को मैं सेव नहीं करूंगा, मैंने अनचेक कर दिया। उसके बाद पे ऑप्शन पर क्लिक करके आई विल सेव लेटर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब गाइज, हमारे क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, तो ओटीपी को हम फिल कर देंगे। ओटीपी को हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, 5,000 रुपए की जो एड मनी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है हमारे पेटीएम के वॉलेट में। तो चलिए यहाँ पर हम सिंपल से वॉलेट ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, और 5,000 रुपए का बैलेंस हमारे यहाँ पर पेटीएम के वॉलेट में सक्सेसफुली एड हो चुका है, और हमें यहाँ पर कैशबैक भी मिल चुका है। यहाँ पर हम कैशबैक ऑफर पर इस तरीके से क्लिक कर लेंगे, और हमें यहाँ पर एक स्क्रैच कार्ड मिल चुका है जिसमें लिखा हुआ है कैशबैक, तो हमें यहाँ पर कैशबैक मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख तो पूरा 120 रुपए का हमें ये कैशबैक मिला हमारे पेटीएम के वॉलेट में। हमें मैसेज भी मिल चुका है 120 रुपए का जो हमारा कैशबैक है वो हमें रिसीव हो चुका है हमारे पेटीएम के वॉलेट में। तो गाइस देखिए, ये मेरा एचडीएफसी बैंक का ये क्रेडिट कार्ड है। इसी क्रेडिट कार्ड का मैं 5,000 रुपए का बिल पे करने वाला हूँ अपने पेटीएम के वॉलेट से। इस तरीके से क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड हमारा बिल पे हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रेडिट कार्ड पेमेंट का, यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी क्रेडिट कार्ड हमारे इसमें सेव होंगे पेटीएम ऐप में वो हमें देखने को मिल जाएंगे। अगर हम डायरेक्टली करना चाहें तो कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करके हम कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड की डिटेल को एंटर करना चाहें तो पे अनदर कार्ड ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे, और जिस भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का हम बिल पे करना चाहते हैं उस क्रेडिट कार्ड के नंबर को हमें एंटर कर देना है। तो गाइस यहां पर हमने अपने क्रेडिट कार्ड के नंबर को एंटर कर दिया है। एचडीएफसी बैंक का हमारा यहां पर लोगो बनकर आ चुका है। प्रोसीड यहां से हमें कर देना है। प्रोसीड ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें अमाउंट एंटर कर देना है जितने रुपए का हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना चाहते हैं। तो 5,000 रुपए का मैं बिल पे कर रहा हूं, 5,000 रुपए का मैंने अमाउंट एंटर कर दिया है। उसके बाद यहां पर अगर हम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पर कैशबैक लेना चाहें तो यहाँ पर हमें कैशबैक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके अगर हमें कोई प्रोमो कोड देखने को मिल रहा है जिसमें हमें डायरेक्टली कैशबैक मिल रहा है उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस देखिए, पेटीएम ऐप से क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने पर हमें कैशबैक भी मिलता है। तो इस तरीके से हम डबल कैशबैक भी पा सकते हैं। पेटीएम के वॉलेट में ऐड मनी करने पर भी हम कैशबैक पा सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड का बिल भरने पर भी हम कैशबैक पा सकते हैं। डबल कैशबैक हमें मिल जाएगा, इसमें हमें 200 रुपए का तुरंत कैशबैक मिल जाएगा अगर हम 10,000 रुपए फिर इससे ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल पे करेंगे। इस ऑफर की टर्म एंड कंडीशन आप यहां पर पढ़ सकते हैं, और भी काफी सारे यहां पर हमें ऑफर देखने को मिल जाएंगे जिस पे आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, मेरी जो पेमेंट है वो कम है 5,000 रुपए की, इसलिए मैं इन प्रोमो कोड को अप्लाई नहीं कर सकता। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो गाइस देखिए, अगर आप 10,000, 20,000 या फिर 50,000 रुपए तक का अगर आप बिल पे कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड का, तो आप यहां पर 20, 30, 75, 100, 200 रुपए तक का आप कैशबैक पा सकते हैं। मेरी जो पेमेंट है वो 5,000 रुपए की है, मतलब कम की है, इसलिए मैं प्रोमो कोड को अप्लाई नहीं कर सकता। तो चलिए यहां पर हम प्रोसीड टू पे ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। कार्ड डिटेल हमारी शो होने लगी, कंफर्म इसको कर देंगे। उसके बाद यहां से हमें कंफर्म एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, यूपीआई बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, और यहां पर आप देखेंगे हमारा पेटीएम का वॉलेट बैलेंस शो हो रहा है 5,000 रुपए। ये 5,000 रुपए का बैलेंस हमने अपने क्रेडिट कार्ड से ऐड किया है, तो इसी से हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। तो चलिए पेटीएम बैलेंस पर हमने क्लिक कर लिया, उसके बाद पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और गाइस देखिए, डायरेक्टली हमारे पेटीएम के वॉलेट बैलेंस से हमारे एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल सक्सेसफुली पे हो जाएगा। तो चलिए हम वेट कर लेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से हमारा एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का 5,000 रुपए का बिल सक्सेसफुली पे हो चुका है, और 5 मिनट के अंदर यह हमारे क्रेडिट कार्ड में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो गाइस यहां पर आप जैसा कि देख सकते हो, बिल पेमेंट हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है, और ये हमारे क्रेडिट कार्ड में भी अपडेट हो चुकी है ये पेमेंट। और गाइस यहां पर आप जैसा कि देख सकते हो, हमें हमारे अमेज़न पे आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड में भी 1% का अनलिमिटेड
कैशबैक मिलता है, तो जितने भी मैं ट्रांजैक्शंस करता हूं तो 1% का कैशबैक मुझे मेरा अमेज़न ऐप में मिल जाता है। लाइन से आप यहां पर कैशबैक और उनकी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड से अभी मैंने 5,170.50 रुपए की मैंने पेमेंट करी थी, पेटीएम ऐप में एड मनी करी थी, तो यहां पर 51 रुपए का मुझे कैशबैक मिल चुका है 1% के हिसाब से मुझे मेरा अमेज़न पे के वॉलेट में। अब गाइस देखिए टोटल कैशबैक मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। 120 रुपए का कैशबैक हमें हमारे पेटीएम के ऐप में मिल चुका है, प्लस यहां पर 51 रुपए का कैशबैक अमेज़न पे के कार्ड में हमें मिल चुका है। टोटल यहां पर हमें कैशबैक 171 रुपए का मिल चुका है। और गाइस देखिए यहां पर अगर हम माइनस करते हैं 170 रुपए का जो हम पर कन्वीनियंस फीस लगी है, तो उसको माइनस करने के बाद भी 54 रुपए और बेनिफिट में है। 54 रुपीज का अभी हमें कैशबैक मिल चुका है, बेनिफिट हो रहा है। और गाइस देखिए हमारे क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड का बिल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे हो चुका है। और गाइस देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पेटीएम ऐप में हमें 120 रुपए का कैशबैक मिला है, ये हमें हमारे फ्यूल के वॉलेट में मिला है। अब गाइस देखिए फ्यूल वॉलेट के पैसे को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं या बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। अगर गाइस हमारे पास पेटीएम का फ्यूल मर्चेंट खुद का क्यूआर कोड है, तो इसके पैसे को क्यूआर कोड पर सेंड करके डायरेक्टली हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर गाइस देखिए अगर हमारे पास कोई बाइक स्कूटी या फिर कार वगैरह है, तो हम उसमें पेट्रोल तो डलवाते ही है, तो हम पेट्रोल पंप पर जाकर फ्यूल वॉलेट से हम पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम फ्यूल वॉलेट के पैसे को यूज कर सकते हैं। या फिर हमारे पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, तो हम पेट्रोल पंप पर जाकर किसी और के पैसे को हम पे कर सकते हैं अपने फ्यूल वॉलेट से, और उनसे हम कैश पैसा ले सकते हैं। इस तरीके से फ्यूल वॉलेट का पैसा हम कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से आप अपने एक बैंक के क्रेडिट कार्ड से दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे बैठे आप अपने मोबाइल फोन से पेटीएम ऐप की मदद से आप पे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, और कैशबैक भी आप पा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर